हेलो दोस्तों, आज हम तुरई का भरुआ बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये तीन चार पांच तुरई ले लिया है, बढ़िया सा छोटे छोटे। तो इसको हम छीलेंगे। ये तुरई का भरुआ बना करके खाइएगा, बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए, छिकला इसका निकाल देंगे हम। ये देखिए, तुरई हमने सब छिकला निकाल लिया। इसको हम धो डालेंगे। धोने के बाद इसको चीरा लगाएंगे, तब बनाएंगे इसको। ये देखिए, तुरई के भरुआ के लिए ये मसाला है। तो तीन कली हमने लहसुन ले लिया है, एक प्याज ले लिया, छील के काट लिया है, दो हरी मिर्च, करेला मसाला इसमें पड़ेगा। तो हम इसको पीसेंगे। ये देखिए प्याज लहसुन पीस के लिए पेस्ट बना लिया है। इसमें हम हल्दी डालेंगे आधी चम्मच के करीब। इसमें करेला मसाला हमने भून के रख लिया था, इसको डालेंगे तीन चम्मच के करीब। आधी चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसको मिक्स कर लेंगे। एक स्पून से घर के तुरई बना के खाइएगा, बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए, तुरई हमने धो लिया था। और इसके बाद हम चाकू से चीरा लगाएंगे। देखिए इस तरह। देखिए, मसाला हमने बना लिया है। अब इसको हम इसी तरह से धीरे धीरे करके इसको इसमें भर देंगे। ऐसे हम सभी मसाला भर लेंगे तुरई में। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, तुरई में मसाला भर लिया है। अब इसको हम बनाने के लिए चल रहे हैं। हमने कढ़ाइया चढ़ा दिया। अब इसमें हम तेल डालेंगे 50 ग्राम के करीब। अब तेल यह हो गया है गरम। अब इसमें हम तुरई का भरुआ डालेंगे। देखिए, इसी तरह हमने डाल देंगे सब। और धीमी आंच में इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। इस तुरई के भरुआ का एक बर्तन से हमने ढक देंगे। 10 मिनट इसको हम पकाएंगे धीमी आंच पे। ये 10 मिनट हो गए और हमारी ये भरी तुरई बन करके रेडी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, ये भरुआ तुरई बन करके रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।